तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो, ऐसा फोटो सब इंस्टाग्राम फेसबुक पे बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है, ज़्यादातर फेसबुक पे और व्हाट्सएप के डीपी सब पे। तो आज की इस वीडियो पे मैं दिखाऊंगा किस तरह आप जस्ट टाइपिंग करके ऐसा फोटोज कैसे करके बना सकते हो, जस्ट टाइपिंग। ऑल राइट गाइज, सबसे पहले आप सभी को ये वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना पड़ेगा गाइज, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो रिस्टोर पे क्लिक, सॉरी रजिस्टर पे क्लिक करना, और यहाँ पर गाइज अपना नंबर एंड ईमेल दे देना होगा, और आप यहाँ से सिंपली अपना पासवर्ड दे के लॉग इन कर सकते हो। बाय द वे, मैं यहाँ पर सिंपली लॉग इन कर देता हूँ और ये मेरा फटाफट ओपन भी हो चुका है। देन आपको यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र पे चले आ जाना होगा, सर्च करना होगा मिड जर्नी, देन इस पे जो पहला वेबसाइट है इसके अंदर चले आ जाना होगा, ज्वाइन द बीटा पे क्लिक करना होगा, ऑटोमेटिक आपके ये वाला एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। और उसके बाद एक्सेप्ट इनवाइट इस पे क्लिक करना होगा, कन्फर्म। फिर आपको कुछ वेरिफिकेशन करना पड़ता है, तो यहाँ पर जस्ट आपको थोड़ा देर वेट करना होगा। और जैसे कि ये पर इस पर और इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ, इस तरह आपको कुछ सिलेक्ट करना होगा, आप जैसे कि देख सकते हैं। देन ये ऑटोमेटिक वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपका ये सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, बट थोड़ा देर आप वेट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मिड जर्नी के साथ मेरा सर्वर कनेक्ट हो चुका है। अब आपको क्या करना होगा, ये जो थ्री लाइन देख रहे हो, ये थ्री लाइन डॉट नहीं, थ्री लाइन पे क्लिक करना होगा। और गाइस आप देख सकते हो न्यू बाइज 21, न्यू बाइज आप देख सकते हो 51, 81, इनमें से कोई भी एक सर्वर पे आप जा सकते हो। तो यहाँ पर मैं न्यू बाइज 51 पे चले जाता हूँ, आपका जो भी रहेगा आप उसके अंदर जा सकते हो। अब गाइज लोग यहाँ पर ट्राई भी कर रहे हैं, लोग बना भी रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पर अब आपको प्लस का ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, अलाउ पे क्लिक करना होगा। गाइज अगर यहाँ पर कोई भी आपको ग्रीन कलर का एक्सेप्ट OS इस तरह आ रहा है तो आप ज़रूर उस पर क्लिक करें। अब यहाँ पर मैं फोटोज़ को सिंपली सिलेक्ट करता हूँ और सेंड करना होगा। गाइज मैं फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पर ग्रीन कलर का देख सकते हो, इस सब इसी पोजीशन पे आपका रहता है ग्रीन कलर का, तो अगर वो आ रहा है ना तो आप फटाफट उस पर क्लिक कर देना, क्योंकि अगर आप उस पर क्लिक करते हो तभी आपका ये फोटो बनेगा, अदरवाइज अगर आप सेंड करते हो देन वो आएगा नहीं। और देख सकते हो कितना कूल इमेजेस ये बना देता है विदाउट एनी पे, समझ रहे हो ना, मतलब मैं इसका दीवाना हो गया हूँ, फ़ैन हो चुका हूँ इस बॉट का। अब यहाँ पर गाइज आप देख सकते हो यहाँ पर ये रोबोट बनाता है, मतलब यहाँ पर आप देखो आजकल का ज़माना क्या आ चुका है, AI के थ्रू बन जा रहा है, मतलब आप रोबोट को बताएं और ये फटाफट बना भी देता है। और लोग कितने अच्छे फोटोज़ बना रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं लोग सेंड भी कर रहे हैं, और वो लिटरली यार मतलब मैं तो बहुत ही, मेरे को अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर जैसे कि मैं फ़ोटोज़ को सेंड कर देता हूँ, फ़ोटोज़ ये इस सर्वर पे मेरा अपलोड हो रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये मेरा फ़ोटोज़ ऑलरेडी सर्वर पे सेंड हो चुका है। अब आपको क्या करना होगा, वो फ़ोटोज़ पे क्लिक करना होगा, थ्री डॉट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर लिंक का कॉपी नहीं आ रहा है तो मैं शेयर करता हूँ कोई किसी को भी व्हाट्सएप के थ्रू। यहाँ पर जैसे कि मैं इससे सेंड कर देता हूँ, इस लिंक को मैं कॉपी कर लेता हूँ, मतलब इसका मेन मोटिव है लिंक को कॉपी करना, तो मैं कॉपी कर लिया लिंक को। अब यहाँ पर गाइज आपको क्लिक करना होगा, स्लैश देना होगा, और IMA इमेजिन जो देख रहे हो ना, इमेजिन इस पर क्लिक करना होगा। अब आपको यहाँ पर जाके अपना लिंक को पेस्ट कर देना होगा। अब गाइज कोमा देना होगा, और आप जो भी टाइप करना चाहते हो, तो यहाँ पर जैसे कि उसके बाद कोमा दिया, मैं लिटिल बॉय टाइप किया, देन कोमा किया, 3D टाइप किया, किड टाइप किया, कैट देना चाहते हो तो कैट दे सकते हो, अदरवाइज मैं कैट को रिकमेंड नहीं करूँगा। और नियॉन मैं हटा देता हूँ, आप नियॉन भी हटा देना, आप देख सकते हो यहाँ पर टोडलर 8K। देन गाइज 8K के बाद आपको दो डैश देना है, ये वाला यानी कि ये डैश V टाइप करना है यहाँ पर, देन स्पेस 4 आप टाइप कर सकते हो, आप 4K भी टाइप कर सकते हो, आप ब्यूटीफुल बॉय टाइप कर सकते हो, ब्यूटीफुल गर्ल टाइप कर सकते हो। तो यहाँ पर ना मैं एक और एक ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर ब्यूटीफुल गर्ल, देन कोमा, अब मैं ये डैश V4 टाइप करता हूँ। अब आपको सिंपली सेंड कर देना है, और गाइस ग्रीन कलर का अगर आ रहा है इस तरह सेंड करने के बाद तो आप उस पर ज़रूर क्लिक करना। देन अगेन आपको ये वाला चीज़ करना होगा, मतलब आपको पहले उसका एक्सेप्ट कर लेना होगा OS को, एक्सेप्ट OS, तब आपका वो कुछ होता है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो मेरा फोटोज़ को ये रेंडरिंग कर रहा है, यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पर 0% फास्ट एडिटेड। आप मैंने जैसे कि लिटिल बॉय 3D किड साइबर पंक टोडलर 8K ब्यूटीफुल गर्ल V4 इस तरह टाइप किया हूँ, 62% हो गया है फास्ट एडिटेड। आप बोलोगे क्या बना रहा है, बट देखो ये एंड पे देखना कितना अच्छा तरीके से ये बन जाएगा। और यहाँ पर आपको थोड़ा देर वेट करना है, और फोटो थोड़ा आपका जैसे अच्छा रहे तभी ये दिखने में अच्छा लगता है। और यहाँ पर देख सकते हो मेरा फोटोज़ कितने अच्छे तरीके से बन गया है, यहाँ पर आप देखो
ऑल राइट, यहाँ पर आप इस तरह देख सकते हो कितना अच्छा फोटोज बन चुका है, और भी आपको फोटोज के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने जैसे कि यहाँ पर किड टाइप किया था, दैट्स वाई किड आया है, आप किड नहीं भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर V1 जो U है, U1, U2, U3, U4 आप इस पर क्लिक करोगे वो नीचे पे उस तरह और बना के यहाँ पर नीचे पे दे देता है। तो यहाँ पर आपको जैसे कि पसंद आया U3 तो आपको HD फुल चाहिए, इस तरह क्रॉप स्क्रीनशॉट तो लेने नहीं चाहोगे ना आप, तो पूरा आपको मिलना चाहिए। तो आप V4 पे या U3 पे, U2 पे जो भी चाहिए आप उस पर क्लिक कर देना, वो आपका न्यू फिर से वो वाला बना के देता है। और अगर आपको इनमें से कोई भी पसंद नहीं आता है तो ये जो आप देख रहे हो ना रिफ्रेश का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर सकते हो, आपका अगेन वो बना कर देता है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं फिर से उसको सेंड कर दिया, वेटिंग टू स्टार्ट, वेट कर रहा है स्टार्ट, बट ये बंदा आप देखो कितना अच्छा बनाया है। ये क्या किया है, बॉय किड्स 3D 4K HD कार्टून, ये जस्ट टाइप किया है। तो मैं यहाँ पर जैसे कि किड किड आप टाइप कर सकते हो बाय द वे, और किड नहीं भी टाइप करोगे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बॉयज किड्स कार्टून इस तरह, साइबर पंक आप हटा सकते हो, यहाँ पर जैसे कि मैं साइबर पंक किया था दैट्स वाई इस तरह आ रहा है, आप साइबर पंक भी हटा सकते हो। अब यहाँ पर जैसे कि और भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर फोटोज़ अपलोड करके, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने रिफ्रेश किया था यहाँ पर ये वाला, तो वो फिर से दूसरा फोटोज़ बना के मुझे देता है, आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर ये। और ये जो मैं V3 टाइप किया था U3 वो फोटोज़ को ये इस तरह सेव, उसके बाद आप इस 3 डॉट पे क्लिक करके सेव कर सकते हो। तो यहाँ पर किड वजह से तो मैंने ये वाला फ़ोटोज़ को यहाँ पर शेयर का ऑप्शन पे क्लिक करके सारा काम करता हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर NSB का फोटो सेंड किया, मैंने टाइप किया लिटिल बॉय 3D किड टूडलर 8K VV4, और यहाँ पर थोड़ा देर वेट करता हूँ, 62% तक हो चुका है। और जैसे कि आप अपर पे देख रहे हो लोग तरीके ना मतलब बहुत डिफरेंट टाइप का बना रहे हैं, जैसे कि ये मैंने बनाया था, ये फ़ोटोज़ रहा, और यहाँ पर ये वाला और भी फ़ोटोज़ रहा। तो देखते हैं कैसा वो इमेज अब आउटपुट देता है हमें, लेट्स सी द फॉर आउटपुट। अभी हम लोग नीचे की तरफ चले जाना होगा, और देख सकते हो ये फ़ोटोज़ बना रहा है। और गाइज आप देख सकते हो कितना अच्छा तरीके से ये कार्टून टाइप का बना दिया। फ़ोटोज़ आपका जैसा रहेगा उसी तरह में बनेगा, ये मैं कह देता हूँ। आप फ़ोटोज़ थोड़ा अगर जूम रहेगा तो उसी तरह बनेगा, यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हो आप बाय द वे। और यहाँ पर मैं इस सर्वर के अंदर जैसे कि आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर मैंने श्रीनिधि सेट्टी का फ़ोटोज़ को अपलोड किया, और आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर 3D टूडलर अल्ट्रा रियलिस्टिक एंड एज यू कैन सी वेट वो सबसे एंड पे चला गया होगा मे बी, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर है, और यहाँ पर देख सकते हो अल्ट्रा रियलिस्टिक 8K V4 इस तरह आपका फ़ोटोज़ बन गया है। तो देख सकते हो कितना अच्छा तरीके से ये फ़ोटोज़ को आपको कार्टून एंड किड बना दे रहा है। और गाइज आप यहाँ पर जितना डिफरेंट टाइप का करोगे उतना अच्छा ही बनेगा। जैसे कि अगर आप टाइप करते हो जैसे कि ये बंदा किया, यंग बॉय ग्लोइंग ब्लू आइज स्मूथ फेस हाइपर रिलेजियम स्टैंडिंग द फॉरेस्ट 8K अल्ट्रा HD क्वालिटी V-V4। तो ऐसा सीन है, आप देख सकते हो फोटोज़ को कितना अच्छे तरीके से बना दिया ये बंदा का चल रहा है अभी। तो आई होप आपको ये वाला वीडियोस देख के पसंद आया होगा, और आप भी इसी तरह बना पाओगे इस तरह इमेजेस सबको, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, सारा चीज़ का आप डाउनलोड कर सकते हो इजीली। और आप देख सकते हो वेबसाइट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप इजीली वेबसाइट का जो है जा सकते हो। तो मिलते हैं गाइज नए वीडियो के साथ, और जो गाइज इमेज बना रहे हैं प्लीज़ आप मुझे टैग करें, प्लीज़ इंस्टाग्राम का ID मेरे को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप प्लीज़ मुझे टैग करें क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कौन कितना अच्छा बनाए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।